हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ सालों में यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए में बहुत सारे लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए या अपने क्रिएटिव वीडियो के जरिए वो बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी उस डायरेक्शन में कुछ एफर्ट्स दिए होंगे या आप सोच रहे हों, लेकिन अगर अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है या आपको उस फील्ड में अभी तक सक्सेस नहीं मिली है या अगर आपने उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, तीनों ही केसेस में आज की ऑडियो बुक समरी आपके लिए ही है। तो आज की ऑडियो बुक समरी है क्रश इट, जिसे लिखा है गैरी वी। तो गैरी वी एक बिजनेसमैन और एक इंटरनेट पर्सनालिटी है। उन्होंने यूट्यूब पर एक वाइन एक्सपर्ट के रूप में अपनी चैनल की शुरुआत की थी। अब वो विनर एक्स और विनर मीडिया के जरिए डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया सर्विस ऑफर करते हैं। गैरी गैलरी मीडिया ग्रुप के ऑनर भी हैं। उनका सबसे बड़ा सपना है सुपरस्टार फुटबॉल टीम न्यूयॉर्क जेट्स को खरीदना। तो चलिए, अगर आप अपने पैशन को एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस में बदलना चाहते हैं, अपना खुद का कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं और साथ साथ उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, क्रश इट बाय गैरी विनाचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसे करने के बाद भी आपका मन भरता ही नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा चीज़ या एक्टिविटीज़ से आप अपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? तो बिज़नेस की दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। देखा जाए तो पूरी दुनिया ही बदल रही है। इसकी वजह है इंटरनेट। इस बुक में गैरी आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं। इसके लिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत या घर घर जा कर के प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मार्केट को खोजने, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने और आप अपना ब्रांड बनाने के लिए मौजूदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी या जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, वो अब घिसी पिटी और बेकार हो चुकी है। उसमें अब कोई दम नहीं रहा। पहले कंपनी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में ऐड दिया करते थे क्योंकि वहाँ से उन्हें कस्टमर मिलते थे, लेकिन अब ये सब पूरी तरीके से बदल चुका है। आज के दौर की बात करें तो अब तो 2 साल के नन्हे मुन्नों से लेकर के 90 साल की दादी माँ तक इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। यही वो जगह है जहाँ हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले दौड़े चले जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग इस मीडियम से जुड़ चुके हैं। और आप जो पैशन से भरे हुए एक आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, सिंगर, रियल स्टेट एजेंट और या जो कोई भी है, आपको इस मीडियम पर होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि क्या आप क्या क्या कर सकते हैं। ये कितना एक्साइटिंग होगा ना। फाइनली अब आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने यूनिक टैलेंट या हॉबी को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, और ऐसा करने में ये बुक आपकी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग बुक के चैप्टर्स को। तो पहला चैप्टर है नो एक्सक्यूजेस, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट में सबसे पहले आपको टाइम और एफर्ट लगाना होगा। क्या आपने यूट्यूब पर उस टीम के वीडियो को देखा है जो हजारों डोमिनो को अलग अलग शेप में लगा करके उन्हें नीचे गिरते हुए रिकॉर्ड करते हैं, या वो आम लड़की जो छोटे से मगर रियलिस्टिक किचन के माहौल में लजीज रेसिपी बनाती है? किसने सोचा था कि वीडियो बना करके भी पैसा कमाया जा सकता है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में किस चीज़ का इंटरेस्ट है। अगर आप कमाल का कंटेंट बनाते हैं तो आपके फॉलोअर्स खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे। शायद आपको लगता होगा कि क्या आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि आपको कई बिल भरने पड़ते हैं, अपनी फैमिलीज के बारे में भी सोचना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, हर रोज़ 2 घंटे से शुरुआत करना भी काफ़ी है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो एक बात याद रखें, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ हट करके वैल्यू देंगे तो आपका आइडिया कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। अब एक और सवाल उठता है कि अगर आपने बिजनेसमैन की स्किल नहीं है तो क्या होगा? अगर आप बिजनेस करने वाले टाइप के इंसान है ही नहीं तो क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि आप किसी को अपना पार्टनर्स बना सकते हैं जो मार्केटिंग को संभाल सके, ताकि आप क्रिएटिव चीज़ों पर फोकस कर सकें। मान लीजिए कि आपको फिशिंग करना पसंद है, आप वॉर्म्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो कि मछलियों का फेवरेट खाना होता है। यहाँ तक कि आपको खुद कई बार आश्चर्य होता है कि आप कीड़ों के बारे में इतना कैसे जानते हैं। तो क्या आप कीड़ों से पैसा कमा सकते हैं? सुनने में तो ये कितना अटपटा लगता है, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि आप बिल्कुल इसके ज़रिए पैसा कमा सकते हैं।
तो अब एक ऐसे YouTube के चैनल के बारे में इमेजिन करें जहां आप मछलियों के बारे में, उनके खाने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ही की तरह कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फिशिंग करने का शौक है, तो उन्हें आपके कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट होगा। क्या पता कि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो उन्हें ऐसी जगह के बारे में बता सकते हैं जहां सबसे बेस्ट क्वालिटी के वर्म्स पाए जाते हैं और जो 100% मछली पकड़ने की गारंटी देता हो। अब आप पूछेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा। इससे आपका जुनून आपके कंटेंट में दिखने लगेगा। जिसे लोग बेहद पसंद करेंगे उन्हें आपका चैनल एंटरटेनिंग और मोटिवेटिंग और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगेगा। और क्या पता कि आपके व्यूअर्स में कोई ऐसा भी हो सकता है जो एक बिजनेस डेवलपर हो, तो आप एक टीम बन करके ज़्यादा ऑडियंस तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। आप और आपका पार्टनर एक वेबसाइट, ऑनलाइन क्लास या पॉडकास्ट डेवलप कर सकते हैं। और तो और, आप सबसे बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट को मैनेज करने के लिए लोगों को हायर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मछली पकड़ने में एक एक्सपर्ट है, तो कोई ना कोई आपके पेज पर एडवर्टीजमेंट देने में दिलचस्पी भी दिखा सकता है, जैसे मछली पकड़ने के रोड का कोई ब्रांड। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो भी करते हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करें और समय समय पर खुद को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसके बाद सक्सेस के कई मौके आपके पास अपने आप आने लगेंगे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। तो ऑनलाइन पैसा कमाने का सीक्रेट है अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना। यही वो चीज़ है जो आपको बिजनेसमैन से अलग बनाती है। आपके पास एक क्लियर और असली पर्सनल ब्रांड होना चाहिए जो आपकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे। इस बुक के ऑथर गैरी ने अपने पहले यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, जिसका नाम था वाइन लाइब्रेरी टीवी था। जब भी लोग वाइन के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक ऐसे आदमी की इमेज बनती है जो सूट बूट पहने, बड़ा रिच और क्लासी है, जो बड़े ही अलग अंदाज में स्टाइल से वाइन का ग्लास पकड़ता है और वाइन की ऐसी पारखी भाषा में बोलता है जिसकी समझ हर किसी को नहीं होती है। ऐसी इमेज लोगों को बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, जो उन्हें डरा देती है। गैरी की वाइन में दिलचस्पी इसीलिए जागी क्योंकि ये उनके पिता का बिजनेस था। बचपन से ही वो स्टोर में अपने पिता की मदद किया करते थे और इसी दौरान उन्होंने वाइन के बारे में बहुत कुछ सीखा और जाना। उन्होंने जब अपने चैनल की शुरुआत की तो एक सस्ता कैमरा लिया, अपने सोफे पर आराम से बैठे और वाइन के बारे में बातें करने लगे। कभी कभार उनके चैनल पर वाइन टेस्ट करने के लिए उनके साथ कोई ना कोई गेस्ट भी मौजूद रहता था। गैरी सीधी सीधी भाषा में बात करते थे, वो मजाकिया एनर्जी जोश से भरे रहते थे और बिल्कुल सच बोलते थे। वो बिना हिचकिचाए बेधड़क कह देते थे कि वाइन अच्छा था या बुरा। वो बनावटी या दिखावे करने वाले में से नहीं थे, जैसे वो असल जिंदगी में थे। बातूनी, हाइपर और वाइन के दीवाने वैसे ही अपने वीडियो में दिखाई देते थे और यही बात लोगों को भाग गई। इससे ये सीख मिलती है कि हमेशा रियल बने रहे, अपनी पर्सनैलिटी को अपने कॉन्टेंट के जरिए सामने आने दें। जब आप दिखावे से दूर होंगे तभी आप चमक सकते हैं। इंटरनेट किसी को भी दिखावा करने का ऑप्शन नहीं देती है। आज नहीं तो कल लोग पकड़ ही लेंगे कि आप रियल है या फेक। इसीलिए हमेशा सच बोल करके अपना ओपिनियन सामने रखें। अब इमेजिन करें कि आप रियल स्टिक एजेंट हैं। आपके पास प्रॉपर्टी देखने के लिए क्लाइंट आता है। आपकी ही तरह यहाँ कई और एजेंट्स भी जरूर होंगे जो ये जानते हुए भी कि उस प्रॉपर्टी में कुछ खामियाँ हैं, क्लाइंट को ऐसे घर दिखाते हैं जैसे वो घर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब जरा सोचिए कि आप एक ऐसा एजेंट है जो ईमानदारी से प्रॉपर्टी की कमियाँ सच सच क्लाइंट के सामने रख देते हैं, तो क्या होगा। ऐसा करने से आप लोगों का भरोसा जीत सकेंगे, क्योंकि वो इस बात पर नोटिस जरूर करेंगे कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं और आपका इरादा बेवकूफ़ बना करके सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अब ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रामसे को ही ले लीजिए। वो हमेशा लोगों की डिश में कमियां निकालते और उन्हें डांटते रहते थे। अगर किसी की डिश दिखने में अच्छी नहीं है तो वो बुराई करने में झिझकते नहीं थे, बल्कि सीधे मुंह पर कह देते थे। उनके इस रवैये से सभी ने गॉर्डन को चिल्लाने वाला गुस्सेल शेफ का नाम दे दिया था। ये उनका पर्सनल ब्रांड है, लेकिन सब इस बात से वाकिफ थे कि वे कुकिंग की फील्ड में महारत हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। लोग इसी वजह से उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो दिखावा करने के बजाय मुंह पर सच बोल देते थे। तो क्या हुआ अगर आपने मेकअप नहीं किया या कोई वीडियो बनाते वक्त आपसे गलती हो जाती है। लोग रियलिटी ही पसंद करते हैं, किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी करें उसे एंजॉय करें, काम के चक्कर में मज़े करना ना भूलें।
और अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अ होल न्यू वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हर किसी के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना बेहद आसान बना दिया है। आप किसी भी पल में अपने पर्सनल ब्रांड को सोशल मीडिया पर लॉन्च कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी एजेंट या मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप एक रॉक बैंड के मेंबर हैं। सालों पहले सिंगर्स को बार या रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता था जो उनको अपना म्यूजिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे, और इसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे। फिर वो उम्मीद करते थे कि ऑडियंस में कोई तो ऐसा होगा जो किसी रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए काम करता होगा और जो नए टैलेंट की तलाश में होगा। अगर वो सच में टैलेंटेड हुए तो उन्हें साइन कर लिया जाता था और उसके बाद ही वो अपना एल्बम रिलीज़ कर पाते थे। लेकिन आज आप और आपका बैंड एक गाना कंपोज कर सकते हैं, अपने गैरेज या किसी भी जगह अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर लॉन्च कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। पहले के लोगों की तरह आपको धक्के नहीं खाने होंगे। अगर आपने अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगा करके अच्छे से गाना रेडी किया है तो लोगों का ध्यान अपनी ओर ज़रूर खींचेगा। आपके बैंड का भी एक फ़ैन बेस होगा और आप उन्हें कमाल के कंटेंट से खुश रख सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे यूट्यूबर को जानते हैं जो बेडरूम में वीडियो शूट कर लेते हैं? मुझे यकीन है आप ज़रूर जानते होंगे। तो बस आपको एक अच्छे स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। आप फिल्म का, किसी बुक या प्रोडक्ट का रिव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 7 साल के बच्चे भी गेम्स को अनबॉक्स करके उससे खेल सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। गेरी का कहना है कि आपको जल्द से जल्द अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आप क्या मिस कर रहे हैं। कई टैलेंटेड लोगों को अब किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर पैसा कमा सकते हैं। आपको जो चीज़ खुशी देती है वो करें। आप अपने घर से, अपने समय पर, अपने कंटेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है। अगर आप ऑनलाइन नहीं जाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। आप एक ऐसी कंपनी या ब्रांड बनकर रह जाएंगे जिसे समय और टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को नहीं बदला और इसीलिए मार्केट से गायब हो गया। यहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सोचना ज़रूरी है। पहला, क्या आप जो जॉब कर रहे हैं उससे खुश हैं? क्या आप सुबह उठ करके काम में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं? क्या आप ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि आप मंडे मॉर्निंग का इंतज़ार करते हैं? दूसरा, क्या आपकी कंपनी आपको अपने प्रोफेशन या हॉबी के बारे में एक पब्लिक इमेज बनाने की परमिशन देती है? क्या आपको अपनी कंपनी में काम करने के अलावा अपनी सर्विस ऑनलाइन ऑफर करने की परमिशन है? क्या आपको अपनी जॉब इतनी पसंद है कि आप इंटरनेट पर मौजूद मौकों को खोने के लिए तैयार हैं? एक फिक्स्ड सैलरी की इनकम होना हमें निश्चिंत और कंफर्टेबल फील करवाता है, लेकिन अगर आप अपने काम में खुश नहीं हैं और आपकी कंपनी आपके स्किल को बढ़ाने या अपडेट करने की परमिशन नहीं देता है तो शायद आप बदलाव का समय आ गया है। मान लीजिए कि आप एक फास्ट फूड मैनेजर के रूप में काम करते हैं, लेकिन आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नीकर्स पसंद करते हैं, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कितने अलग अलग मौके आ सकते हैं। तो अब आप समझते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर क्रिएट ग्रेट कंटेंट। उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ तो विश्वास होने लगा होगा कि आप इंटरनेट में धूम मचा सकते हैं, लेकिन कमाल का कंटेंट कैसे बनाएं, यह कुछ टिप्स है और हम आशा करते हैं कि ये टिप आपको मदद कर पाएंगे। पहला, हमेशा सीखते रहें। दूसरा, कहानी सुनाएं। तीसरा, सही मीडियम चुनें। आप बेशक स्नीकर्स, वीडियो गेम्स या कपकेक के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन खुद को एजुकेट करते रहें। आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होना चाहिए। बुक्स, मैगजीन या जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिले उसे पढ़ें। खुद को अपडेट करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करें। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं और आप कनेक्शन बना सकते हैं। सीखने के कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहे। अपने वीडियोस, ब्लॉग या फिर पोस्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके ढूंढें। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। लोगों को अच्छी कहानियाँ पसंद आती है। अपनी स्टोरीज को ऑडियंस के साथ शेयर करना इस बात का एक पार्ट है कि वो आपको ज़्यादा समझ पाते हैं, पसंद और भरोसा करते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई अजनबी आपके पास आकर के प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है तो आप क्या खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही उन लोगों के साथ होता है जो ऑनलाइन आपका वीडियो या पोस्ट देखते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्लार्क न्यूयॉर्क में रियल स्टेट एजेंट है तो आप उस शहर और प्रॉपर्टी के बारे में दिलचस्प बातें बता सकते हैं। क्लाइंट को बताएं कि उस शहर में ऐसे कौन से खासियत है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक सेल्समैन है तो शेयर करें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेचना क्यों पसंद है या आपकी सेल्स की सबसे ज़बरदस्त टेक्निक क्या है। अपने सबसे बड़े चैलेंज या अनोखे और दिलचस्प क्लाइंट के बारे में उन्हें बताएं। ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें आपको जानने का मौका दें, तब जाकर के ये कनेक्शन बनना स्टार्ट होगा। अगर आप अच्छी कहानियां सुनाते हैं और उन्हें अच्छी वैल्यू देते हैं तो आपके फैन और फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे और यही लोग दूसरों को भी आपके चैनल के बारे में बताना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टिप है, सही मीडियम चुनें। क्या आपने कभी कोई ब्लॉग पढ़ा है जो बहुत बोरिंग या उबाऊ था? आपने तो शायद उसे पूरा पढ़ा भी नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी लंबा और पकाऊ था। इसका कारण है कि उसमें 3 गलतियां हो सकती है। पहला, राइटर ने गलत टॉपिक चुना होगा। दूसरा, उसने गलत मीडियम चुना होगा। और तीसरा, उसमें ये दोनों ही गलतियां शामिल होंगी। कुछ लोग कैमरे के सामने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहीं कुछ लोग राइटिंग में या बोलने में माहिर होते हैं। सही मीडियम चुनने का मतलब है कि आप अपना कंटेंट किस जरिए से लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ये वीडियो, ब्लॉग, पॉडकास्ट या पिक्चर्स या किसी भी मीडियम से हो सकता है। गैरी को कैमरे के सामने बात करना बेहद पसंद था लेकिन वो बहुत ही बुरे राइटर हैं। इसी तरह अगर आप शर्मीले हैं और कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं तब भी कॉन्टेंट बनाने में कई ऑप्शन हैं। आप अपने वीडियो में एनिमेशन, म्यूजिक या कैप्शन डाल सकते हैं। अगर आप सही मीडियम का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैशन और टैलेंट ज़्यादा निखर कर लोगों के सामने पहुंचेगा। अब बात करते हैं हसल। अब जब आपके पास में टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है तो चाहे आप वीडियो, ब्लॉग या पॉडकास्ट कुछ भी चुने या आपके पर्सनल ब्रांड का हिस्सा होता है, अब वक्त है धूम मचाने का। सोशल मीडिया में भी इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती, आपको अपने ऑडियंस के साथ में कनेक्शन बनाना होगा। अगर आप पीछे जा करके अपने पसंदीदा चैनल पर एक नज़र डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो एक दिन में या रातों रात हिट नहीं हुए थे, उन्हें भी कुछ समय तक जम करके मेहनत करनी पड़ी। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पहले के वीडियो या पोस्ट उनके लेटेस्ट पोस्ट जितने अच्छे और इंटरेस्टिंग नहीं हैं। आप बस एक ब्लॉग लिख करके या कुछ कंटेंट पब्लिश कर ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, आपको लगातार इससे जुड़े रहना होगा। आपको कंटेंट बनाते रहना होगा, पता लगाना होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ है और अपने मौजूदा फॉलोअर्स को ज़्यादा वैल्यू देना होगा ताकि वो आपसे बोर ना हो जाए। अगर आप अपने फैंस को खुश रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ऑडियंस लेकर के आएंगे। अगर आप दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करते हो और बाकी समय नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल करते हैं तो फिर सक्सेस की उम्मीद छोड़ देनी होगी। यही तो फ़ायदा है अपने पैशन को अपना बिजनेस बनाने का। काम करना और मज़े करना दोनों ही एक चीज़ बन जाती है। आपको आराम करने के लिए ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप काम को ही एंजॉय कर रहे हो। अब ये कैसे समझा जाए कि आपने सही रास्ता चुना या नहीं? जवाब बड़ा सिंपल है। अगर नया कंटेंट बनाने के लिए आप में एक्साइटमेंट है तो समझ जाए कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आप इसकी धुन में इतना खो जाएंगे कि आपको समय का होश ही नहीं रहेगा। एक कंटेंट बनाने के बाद भी आप किसी एक्साइटिंग प्लान के साथ अपना दिन ख़त्म करेंगे और अगली सुबह फिर धूम मचाने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस मीडियम में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस बनाए रखना। कुछ लोग गैरी से पूछा करते हैं कि मैंने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करने में वो सब कुछ किया जो करने की ज़रूरत थी लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पूछने पर अक्सर गैरी को पता चलता है कि उनने अपना चैनल स्टार्ट किए बस कुछ ही समय हुआ है। क्या आपको लगता है कि एक नया फूड जॉइंट कुछ ही महीनों में बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस जॉइंट के ऑनर को पेशेंस बनाए रखना होगा, उसे हर फेलियर के बाद उठना होगा और उसे सीखते रहना होगा। ऑनलाइन बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिजनेस बनाना एक मैराथन की तरह है जहां धीरे धीरे चलने या हल्के हल्के से आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, भागने की नहीं। इसके लिए आपको पेशेंस, पक्के इरादे और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर ये सच में आपका पैशन है तो आपको पहले से कई ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। यही फ़र्क है सैलरी मिलने वाले एक एम्प्लॉई और एक बिजनेसमैन में। एक एम्प्लॉई को काम करने के हर घंटे के लिए पैसे मिलते हैं लेकिन एक बिजनेसमैन को कुछ वापस मिलने से पहले अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट
देना पड़ता है, क्योंकि वो अपना बिजनेस का फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कमाल का कंटेंट बनाएंगे और यूनिक वैल्यू देंगे तो लोग उसे नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे और तब पैसे का फ्लो शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रिएट कम्युनिटी। आप अपना फैन बेस कैसे बढ़ाते हैं, आपको ऐसे सब्सक्राइबर्स कैसे मिलेंगे जो आपके कंटेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। कंटेंट बनाना इस जॉब का सिर्फ एक पार्ट है, इसके बाद आपको अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बनानी होगी। सबसे पहले आपको अपना ब्लॉग बनाएं, अपने कंटेंट को पब्लिश करें। दूसरा, अपनी ही कैटेगरी के दूसरे लोगों के कंटेंट को देखें, हर पोस्ट पर कमेंट करें। याद रखें कि आपके कमेंट इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उसमें काम की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ये लोगों को एक झलक देता है कि आप उस कंटेंट में क्या कर सकते हैं। अपने कमेंट में अपने ब्लॉग का लिंक भी शेयर करें। तीसरा है ध्यान खींचना। आपके कमेंट के जरिए उस ब्लॉग के ओनर और फॉलोअर्स ने आपको नोटिस किया होगा और उनके मन में आपका कंटेंट देखने की इच्छा भी हुई होगी। अब वो भी आपका ब्लॉग चेक करेंगे और हो सकता है कि आपको फॉलो भी करने लगे। चौथा, आपके ब्लॉग में कॉल टू एक्शन बटन होना जरूरी है। ये ऑडियंस को एक ही बार में दिख जाना चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन में सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो आदि शामिल होते हैं। पाँचवा, अपने फॉलोअर्स पर ध्यान दें, उनके कमेंट्स को पढ़ें और उन्हें जवाब दें, उनके सजेशंस को सुने। जैसा जैसा आप अपने फॉलोअर्स के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाते जाएंगे, वो आपके पोस्ट को शेयर कर अपने दोस्तों को बताते रहेंगे। मान लीजिए कि आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और आपको 3 फॉलोअर्स मिले, ये भी एक अच्छा फिगर है। इसका मतलब ये है कि आप सही काम कर रहे हैं। इन लोगों के साथ बातचीत कर अपना कनेक्शन बनाएं। सबसे अहम बात, सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कभी ना भूलें। चाहे आप कुछ भी बेच रहे हो, अपने आप इसमें फेल नहीं हो सकते। अपने फॉलोअर्स की परवाह करें, उनके साथ हमेशा अच्छे से और एक दोस्त की तरह बर्ताव करें। खुश और संतुष्ट फैन को आपके मार्केटिंग करने वाला बनने में देर नहीं लगता। और अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं, मेक द वॉल क्लोजर। गैरी ने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर की है, आप एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया बिजनेस कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक अकाउंटेंट है, एक दिन आपके मन में आता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ अलग करना है। तो स्टेप नंबर 1 है, GoDaddy.com पर जाएं, अपने नाम का एक डोमेन खरीदें। ये आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम .com होता है। अगर वहाँ आपको नाम न मिले तो yourname.tv पर जाएं। गैरी को अपना डोमेन नाम पहली ही कोशिश में मिल गया था, लेकिन अगर आपका नाम थोड़ा कॉमन है तो हो सकता है वो किसी और ने पहले ही ले लिया होगा। अब यहाँ आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपका नाम बॉब है लेकिन ये कॉमन भी है, तो आपको ये नाम नहीं मिला तो आप इसके बजाय bobthebudgetman.com यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक नाम है। नंबर 2, अपने खरीदे हुए डोमेन का इस्तेमाल कर एक वर्डप्रेस अकाउंट बनाएं। नंबर 3, अब आपको कोई एक वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप अभी ये खर्च नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं है। वर्डप्रेस में कई कमाल के थीम हैं जिनमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वेब डिज़ाइन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सोचिए कि आप एक महंगे बुटीक में जाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट को यूँ ही नहीं रख दिया जाता। स्टोर के सेटअप और डिस्प्ले में बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ तक कि जो सामने डिस्प्ले खिड़की होती है उसके बारे में भी बहुत कुछ सोचा जाता है, क्योंकि वही चीज़ कस्टमर को सबसे पहले दिखती है और उससे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। आपका ब्लॉग भी एक बुटीक की तरह है, इसे अट्रैक्टिव बनाना होगा या आपके पर्सनल ब्रांड का सिंबल होगा, और कॉल टू एक्शन बटन इस तरह से सेट होना होगा कि लोगों की नज़र आसानी से उस पर पड़ सके। नंबर 4, फेसबुक फैन पेज बनाएं। नंबर 5, अपने डोमेन नेम को यूज़ कर एक ट्विटर अकाउंट बनाएं। नंबर 6, अपना कंटेंट पब्लिश करें। मान लीजिए कि आप CPA और फन फैक्ट्स के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ बनाते हैं, वहां आप सिंपल और मज़ेदार तरीके से टेक्स्ट रूल के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बिजनेस या लोगों के लिए फाइनेंस टिप्स भी शेयर कर सकते हैं। जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉन्टेंट डालें,
अब यहाँ आपके साथी ये कह सकते हैं कि आप अपनी सर्विस फ्री में दे रहे हैं, लेकिन असल में अपने प्लेटफॉर्म पर अच्छी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा लोग आपके आप पर भरोसा करने लगेंगे। ज़रा सोचिए कि जब उन्हें अकाउंटिंग में मदद की ज़रूरत होगी तो आपको क्या लगता है कि वो व्यूअर्स किस ओर जाएंगे एक ऐसे अकाउंटिंग फर्म के पास जिसके बारे में उन्हें कभी सुना ही नहीं है, या बॉब द बजट मैन के पास जो इसके इतने काम की और एंटरटेनिंग वीडियो बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा, रियल बने रहे और अपनी कहानी बताएं, अपने फॉलोअर्स के साथ दोस्त की तरह पेश आए और सच में उनकी परवाह करें। नंबर 7, ट्विटर पर हैशटैग जैसे कि अकाउंट्स पेबल, टैक्सेस, 401k या अपनी फील्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन सर्च करें, जितना हो सके उतना फॉलो करें। नंबर 8, गूगल पर अपने जैसे अकाउंटिंग ब्लॉग सर्च करें, उन्हें ठीक से पढ़ें और उन्हें और उनमें एक अच्छा कमेंट भी लिखें, अपने ब्लॉग का लिंक डालना ना भूलें। नंबर 9, फेसबुक पर अकाउंटिंग ग्रुप को सर्च करें, फैन पेज भी खोजें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को ज्वाइन करें, लेकिन ऐसे पेज को चुनें जिनमें ज़्यादा एक्टिव मेम्बर हो। नंबर 10, हर दिन स्टेप नंबर 6 से 10 को रिपीट करें, आपको एक्टिव रह करके ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करने की ज़रूरत है। पहले से ज़्यादा अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें, अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत पर कर कमेंट कनेक्शन बनाए रखें, पता लगाएं कि और कहां पर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा लोगों को वैल्यू दें। आपका गोल लॉयल कस्टमर्स बनाना होना चाहिए जो आप पर भरोसा करते हैं, आपके साथ बार बार बिजनेस करना चाहते हैं और आपको अपने पहचान वाले लोगों को रेफर भी करते हैं। खुश और सेटिस्फाइड कस्टमर आपके और आपके प्रोडक्ट के बारे में औरों को ज़रूर बताएंगे, वो आपके लिए मार्केटिंग का काम करेंगे, उसके बाद बिजनेस में पैसा आना स्टार्ट होगा, जिसे आप अपने बिजनेस को और भी बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो एक्टिव होकर के एक्शन लेते हैं, अच्छे मौके सिर्फ उनका ही दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मैजिकल इन्फॉर्मेशन से भरी हुई बुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आज की टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें खुद को अपने पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए मोटिवेट करती है। इस बुक में हमने जाना कि इंटरनेट में सभी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोफेशन या हॉबी क्या है, आप इससे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। अभी शुरुआत करने का बिल्कुल सही समय है, तो आपने बहानों को खिड़की से बाहर फेंक दे, क्योंकि मौका आपके दरवाजे पर खड़ा है। अगर आपने इसे अपना लिया तो अपने बिजनेस की खुद बॉस होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना करके सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आपने पर्सनल ब्रांड के कॉन्सेप्ट को समझा, आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, रियल और दिखावे से दूर। उस मीडियम को चुनें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो वीडियो, ब्लॉग, एनिमेशन, पिक्चर्स, कुछ भी हो सकता है। आपने ये भी सीखा कि आपको कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत है, पता लगाएं कि आपके टाइप के ऑडियंस कहाँ हैं, उन ग्रुप्स, पेजेस और फोरम की तलाश कराएं जहाँ आपके टारगेट ऑडियंस जाते हैं और कमेंट्स लिखते हैं। फॉलोअर्स बनाने में कुछ समय लगता है, इसीलिए बीच में निराश होकर के इसे छोड़े नहीं, कंटेंट बनाते रहें, लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखें और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने फॉलोअर्स की परवाह करें, उनके सुझाव को सीरियसली सुने, पहले कुछ लेने के बजाय जितना वैल्यू हो सकता है उन्हें दे, यही सक्सेस पाने का इकलौता सीक्रेट है। तो उम्मीद के साथ में ये पूरा विश्वास है कि ये ऑडियो बुक समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।